थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टेटिस्टिकल फिजिक्स के लेक्चर 10 में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है एंड देयर वाज द टू स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट वाज रिलेटेड टू द इंजन एंड सेकेंड वाज द रेफ्रिजरेटर। फर्स्ट वाज गिवन बाय केल्विन प्लैंक एंड सेकेंड वाज गिवन बाय द क्लॉसियस। उसके बाद हमने इंजन के एग्जाम्पल के रूप में सादी कार्नोट का साइक्लिक इंजन यूज लिया और उससे एफिशिएंसी निकालने का प्रयास किया। जब वैज्ञानिक सादी कार्नोट के इंजन को देख रहे थे या उसे समझने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जब सादी कार्नोट का इंजन शुरू होता है उससे लेकर एक साइकिल कंप्लीट होने पर एक स्पेशल थर्मल प्रॉपर्टी सिस्टम की कंजर्व रहती है एंड दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी, जिसे हम सिंबल एस से काम में लेते हैं। एंट्रोपी जिसका सिंबल हम कैपिटल एस लिखते हैं और आज हम पढ़ेंगे एंट्रोपी। व्हाट इज द एंट्रोपी, हाउ इट चेंजेज इन बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, व्हाट आर इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंसेज एंड सो ऑन। सो हम यहाँ देखते हैं इसका सिंबल कैपिटल एस है एंड अगर किसी सिस्टम के लिए देखा जाए तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्पेसिफिक वेज इन विच ए सिस्टम कैन बी अरेंज्ड। एक सिस्टम को जितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं उन नंबर के मेजर को एंट्रोपी बताती है। इट मीन्स एंट्रोपी रिलेट्स द स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स विद द थर्मोडायनेमिक्स। और दूसरे तरीके से हम यह भी कहते हैं कि एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस और ऑफ द लैक ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। दीज आर द नॉर्मल डेफिनेशंस विच वी सी इन फिजिक्स। अगर यहाँ पे हम एक सिस्टम देखना चाहें, जैसे ये सिस्टम रखा हुआ है ए, ये सिस्टम रखा हुआ है ए, किसी सिस्टम जो कि सराउंडिंग से आइसोलेटेड है, ये सिस्टम हम कहते हैं दिस इज द आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, कंप्लीटली आइसोलेटेड। तो एक कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। Here we are not talking about the absolute value of entropy. We are just talking about the change in entropy, delta S. इस सिस्टम की absolute entropy S क्या है? That is not the question of our concern. We want to know कि एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जाने पर यह सिस्टम एंट्रोपी में परिवर्तन कितना करता है और वह परिवर्तन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक सिस्टम है जो सराउंडिंग से आइसोलेटेड है लेकिन जिसके दो पार्टीशन है, इसके अंदर दो सब सिस्टम्स हैं ए एंड बी, और मैं कहती हूँ कि ए की एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस इज नेगेटिव। इट इज पॉसिबल, अगर इसकी एंट्रोपी में इतना नेगेटिव परिवर्तन है तो बी की एंट्रोपी में डेफिनेटली इतना या इससे अधिक पॉजिटिव चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इस बार आइसोलेटेड सिस्टम दोनों को मिलाकर है। आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी कभी भी में परिवर्तन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन सिस्टम के सब पार्ट्स में से किसी की एंट्रोपी कम या ज़्यादा हो सकती है। दोनों ही चीजें याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अब हम समझते हैं कि एंट्रोपी की परिभाषा थर्मोडायनेमिक्स में हम कैसे लिखेंगे। सो फॉर ए थर्मोडायनेमिक
reversible process. Entropy can be written as, कैसे, delta S is equal to integration, delta Q upon T. This definition is for macroscopic definition. यह है definition, macroscopic definition कहलाती है. यह डेफिनेशन मैक्रोस्कोपिक डेफिनेशन कहलाती है. अगर इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे सिस्टम से ली गई या दी गई हीट है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन को बता रहा है. किसी सिस्टम के लिए अगर हम हीट दे देंगे तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होगी, अगर उससे हीट लेते हैं देन द एंट्रोपी विल डिक्रीज. हियर एस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एस क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अर्थात ये साइज या मास पे डिपेंड करती है. अगर इसको हमें इंटेंसिव बनाना है देन वी हैव टू टेक एंट्रोपी आइदर पर यूनिट मास और एंट्रोपी पर यूनिट मोल. अगर एंट्रोपी को पर यूनिट मास में लिखते हैं तो हम लिखते हैं इसको स्पेसिफिक एंट्रोपी, और अगर एंट्रोपी पर यूनिट मोल लिख रहे हैं देन इट इज मोलर एंट्रोपी. सो वी कैन मेक एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वी कैन मेक एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. आगे हम देखते हैं अगर एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू की बात की जाए, अगर एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू की बात की जाए, एब्सोल्यूट एंट्रोपी, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट गिव एनी इंडिकेशंस अबाउट इट. अगर हमें एंट्रोपी की एब्सोल्यूट परिभाषा देखनी है वी हैव टू गो फॉर द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम आगे पढ़ेंगे और जिसके अनुसार परफेक्ट क्रिस्टल्स के लिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एंट्रोपी का मान शून्य होता है, जिसे नर्न्स की थ्योरम के अनुसार भी समझा जाता है. हम इसे आगे पढ़ेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं करेंगे, चेंज इन एंट्रोपी की बात कर रहे हैं. सेकेंड जो डेफिनेशन है एंट्रोपी की वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं. एंट्रोपी की सेकेंड डेफिनेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो कार्नो के साइकिल में साइंटिस्ट ने देखा, उन्होंने देखा कि एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान सिस्टम की एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है. बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान डेल्टा क्यू क्या है? जीरो. अगर हीट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो एंट्रोपी में परिवर्तन नहीं होगा. सो उस साइकिल को देखते हुए एक सेकेंड डेफिनेशन इस हिसाब से लिखी जाती है, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ ए वर्किंग सबस्टांस, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ ए वर्किंग सबस्टांस, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ ए वर्किंग सबस्टांस विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस. सिस्टम की वह थर्मल प्रॉपर्टी जो एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान नियत रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, वह क्या कहलाती है? एंट्रोपी. और इस प्रकार की प्रोसेस में चूंकि यहाँ पे एंट्रोपी नियत है इसीलिए इस प्रकार की प्रोसेस को आइजेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं. हम बहुत सी तरह की प्रोसेस पर पढ़ चुके हैं, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक. एक नेक्स्ट टाइप की प्रोसेस है आइजेंट्रोपिक प्रोसेस. इस प्रोसेस का क्या मतलब है? वह प्रोसेस जिसके दौरान सिस्टम की एंट्रोपी नियत रहती है. अब हम देखते हैं कैलकुलेशन एंट्रोपी के लिए
हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, और इसके लिए हम एंट्रोपी की वैल्यू कैलकुलेट दो तरीके से करेंगे। पहले हम रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान देखेंगे एंट्रोपी में कितना परिवर्तन होता है, और उसके बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस में। फर्स्ट वी आर राइटिंग हियर द चेंज इन एंट्रोपी इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस। चेंज ऑफ एंट्रोपी इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज कैसे होता है एंट्रोपी का, और बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, सादी कार्नोट का इंजन, उसको हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। यहाँ पे वी टेक, उसका इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं। किस किस के बीच में बनता है इंडिकेटर डायग्राम? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। हाउ इट विल लुक लाइक? ऐसा दिखेगा। हियर टू आर द आइसोथर्म्स एंड टू आर द एडियाबेट्स, जो हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। दिस इज एन आइसोथर्म, दिस इज सेकेंड आइसोथर्म, बी सी इज एन एडियाबेट एंड ए डी इज आल्सो एन एडियाबेट। सपोज कीजिए दिस आइसोथर्म इज एन टेम्परेचर टी वन एंड दिस इज एट टेम्परेचर टी टू। इस रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने ए से स्टार्ट किया चलना एंड वी आर रीचिंग द पॉइंट ए आफ्टर कंप्लीटिंग दिस साइकिल। शो हाउ मच चेंज इन द एंट्रोपी विल बी फाइंड हियर। देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सादी कार्नोट इंजन, और इसे सबसे पहले देखते हैं फॉर ए बी आइसोथर्म। ए बी आइसोथर्म के लिए डेल्टा एस कितना आएगा? डेल्टा एस वन। इस आइसोथर्म के दौरान हमने कार्नोट के इंजन को रिजर्वोयर पे रखा था एंड रिजर्वोयर ने कार्नोट के इंजन को क्यू वन उष्मा दी थी। इसका मतलब कितना आएगा? क्यू वन अपॉन टेम्परेचर कितना है? टी वन। फॉर बी सी एडियाबेट, चूंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी नियत रहती है, सो चेंज इन एंट्रोपी वुड बी जीरो, डेल्टा एस हियर वुड बी शून्य। फॉर सी डी आइसोथर्म, डेल्टा एस टू इज इक्वल टू वॉट इट विल बी हियर, द सिस्टम रिलीजेज सम हीट टू द सिंक, सो वी विल टेक नेगेटिव साइन। कितनी हीट रिलीज की थी? क्यू टू अपॉन एट वॉट टेम्परेचर? द टेम्परेचर इज टी टू। फॉर डी ए एडियाबेट, एंड वॉट विल बी द अमाउंट ऑफ चेंज इन एंट्रोपी? अगेन इट इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस एंड एंट्रोपी रिमेन्स सेम, सो डेल्टा एस फोर इज इक्वल टू जीरो। इन दिस होल साइक्लिक प्रोसेस वॉट विल बी द चेंज ऑफ एंट्रोपी? सभी चारों पदों को जोड़ते हैं, फोर एड करते हैं, डेल्टा एस निकल के आएगा, एंड वॉट दैट विल बी क्यू वन अपॉन टी वन माइनस क्यू टू अपॉन टी वन टी टू। और सादी कार्नोट के इंजन की क्या विशेषता थी, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सादी कार्नोट के इंजन में Q1 वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू क्यू टू अपॉन टी टू। इस रिलेशन का फॉलो होता है, देन डेल्टा एस विल बी जीरो। मीन्स साइक्लिक या रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो भी प्रोसेसेस रिवर्सिबल हैं उनमें एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बट वॉट अबाउट द इरिवर्सिबल प्रोसेसेज? एंड ऑल द प्रोसेसेज इन द नेचर आर इरिवर्सिबल, सो वी शुड बी मोर इंटरेस्टेड इन द इरिवर्सिबल प्रोसेसेज। सो सी, देखते हैं वट द चेंज इन द इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो हियर वी सी द चेंज ऑफ एंट्रोपी इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है और जिसके दो पार्ट्स हैं, दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी।
दिस इज एट टेम्परेचर टी वन एंड इट इज एट टी टू. माना कि टी वन इज ग्रेटर देन टी टू. विथ दिस अजम्पशन, अगर ऐसा है और दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मली कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं, परफेक्टली कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं, तो ये सिस्टम कुछ ऊष्मा इस सिस्टम को देगा. सपोज कीजिए क्यू वन ऊष्मा इस सिस्टम ने रिलीज की, देन दिस सिस्टम विल गेट क्यू वन ऊष्मा. सो हियर वी सी द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस टोटल सिस्टम, दिस टोटल आइसोलेटेड सिस्टम. Change in entropy for body A. A की body की में entropy में क्या परिवर्तन होता है? चूंकि A ने ऊष्मा दी है, इसका मतलब इसकी entropy will be negative. Minus Q1 upon T1. What is the change in एंट्रोपी फॉर बॉडी बी? बी की बॉडी में क्या चेंज होगा? क्यू वन अपॉन टी टू. सो इस सिस्टम की टोटल एंट्रोपी चेंज, टोटल एंट्रोपी चेंज कितना होगा? डेल्टा एस इज इक्वल टू Q1 upon अपॉन टी टू माइनस क्यू वन अपॉन टी वन. और चूंकि दोनों सिस्टम आइसोलेशन में एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं और ये हायर टेम्परेचर पे है, सो इट विल गिव सम एनर्जी टू दिस सिस्टम और वो ऊष्मा कभी भी अपने आप वापस नहीं आएगी. इसका मतलब दिस इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस. और इस इरिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी चेंज कितना हुआ? इतना. और यहाँ हम देख सकते हैं कि ऊपर वाला पार्ट दोनों में बराबर है, नीचे वाला पार्ट हमने पहले से ही एजम्पशन ले रखी है टी वन इज ग्रेटर देन टी टू. सो दिस इज ग्रेटर देन दिस. सो दिस क्वांटिटी विल बी ऑलवेज लोअर देन द दिस क्वांटिटी. इट मीन्स डेल्टा एस ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन जीरो. दैट्स वाई वी से द इन ऑल irreversible processes the change in entropy is always greater than zero. Agar reversible process ki baat kare then it may be constant, means change zero hoga ya fir change positive hoga. Lekin agar irreversible process ki baat kare then change in entropy will always be greater than zero. So hum yahan pe note kar sakte hain जो अभी हमने पढ़ा है इसको बोलते हैं, जो ये एंट्रोपी इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा ही बढ़ती है इसको एक प्रिंसिपल के रूप में लिखा जाता है. एंड दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी. और हम पहले ही इरिवर्सिबल प्रोसेस में देख सकते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी हमेशा ही इंक्रीज होती है. और नेचर में जो भी प्रोसेसेस हैं वो सभी क्या हैं? इरिवर्सिबल. इसका मतलब नेचर में घटने वाली सभी घटनाएं घटित होने के दौरान एंट्रोपी को बढ़ाती ही बढ़ाती हैं. सो द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. हम कैसे लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पर? For all processes, for all processes taking place, for all processes taking place in an isolated system. याद रखने की बात क्या है? जो सिस्टम हमने लिया था ये ए और बी का कॉम्बिनेशन वाला इरिवर्सिबल प्रोसेस में, वो सराउंडिंग से आइसोलेटेड था. फॉर ऑल प्रोसेसेज टेकिंग प्लेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम
एंट्रोपी शुड इंक्रीज और रिमेन कॉन्स्टेंट. आइदर एंट्रोपी कैन इंक्रीज और मे बी कॉन्स्टेंट. अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है देन इट विल बी कॉन्स्टेंट, रिमेन कॉन्स्टेंट, नो चेंज. अगर ये इरिवर्सिबल है देन इट विल इंक्रीज. और दूसरे शब्दों में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो नोट यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका मतलब ऐसी कोई भी प्रोसेस क्या पॉसिबल है जिसमें एंट्रोपी में परिवर्तन नेगेटिव होता है? क्या ऐसी कोई आइसोलेटेड प्रोसेस पॉसिबल है जिसमें एंट्रोपी में परिवर्तन माइनस में हो? क्या ऐसी कोई घटना हो सकती है? नहीं. सो वी राइट हियर द प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इन विच द एंट्रोपी ऑफ एन isolated system, the process in which the entropy of an isolated system decreases do not, क्या घटित होगी? नहीं. do not take place, ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं होती है जहाँ पे सिस्टम की एंट्रोपी कम हो रही हो या एंट्रोपी में परिवर्तन नेगेटिव हो. चलिए, अब अभी तक हमने कार्नो के साइकिल को प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स या ग्राफ के रूप में देखा है. सादी कार्नोट के साइक्लिक प्रोसेस को हम टेम्परेचर और एंट्रोपी एक्सिस पर भी प्लॉट कर सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द TS डायग्राम फॉर कार्नोट साइकिल. That is called the TS diagram for Carnot cycle. So here we write TS diagram. And how we can define it? We can define thermodynamic changes. Thermodynamic changes in the state. The thermodynamic changes in the state of a substance can be represented by plotting entropy at horizontal axis and absolute temperature at vertical axis. And this diagram is known as TS diagram. And this type of diagram is known as TS diagram. Such a diagram is known as TS diagram. So, कैसे प्लॉट करते हैं TS diagram को? वर्टिकल एक्सिस पे टेम्परेचर, हॉरिजॉन्टल पे सी एच. हमने देखा है दिस इज द पीवी डायग्राम. ए से लेकर बी तक ये क्या है? आइसोथर्म. सो दिस आइसोथर्म विल बी रिप्रेजेंटेड हियर एज ए स्ट्रेट लाइन. क्यों? क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर. टेम्परेचर शुड बी कॉन्स्टेंट. थोड़ा सा हाथ जरा हिल गया है. यू कैन प्लॉट इट स्ट्रेट. ये एडियाबेटिक प्रोसेस है और एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कॉन्स्टेंट रहती है. इट मीन्स दिस एडियाबेट विल ऑल्सो बी प्लॉटेड एज एन स्ट्रेट लाइन. अगेन दिस इज सेकेंड आइसोथर्म. सो दिस विल बी अगेन ए स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज अगेन एडियाबेट वेयर एंट्रोपी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सो इट विल बी अगेन ए दिस इज परफेक्टली स्ट्रेट लाइन्स
आपको परफेक्टली स्ट्रेट लाइन खींचनी है, अगर कुछ टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है देन दैट इज माई फॉल्ट। सो अगर यहाँ पे टेम्परेचर T1 था, T2, अगर इन पॉइंट्स को नाम देते हैं S1, S2, T1 के दौरान रिजर्वर से Q1 ऊष्मा ली थी और T2 पर सिंक को T2 Q2 ऊष्मा रिलीज की थी। By this diagram also we can find out the efficiency of the Carnot cycle and how, very simple, जैसे PV diagram में निकला था same। So सबसे पहले लिखते हैं total हीट एब्जॉर्ब, टोटल हीट एब्जॉर्ब एंड दैट इज इक्वल टू इस आरेख के नीचे की जितना भी एरिया है वो, दिस ये जो स्ट्रेट लाइन है इस टी वन वाली, इसके नीचे का जितना भी एरिया है दैट इज द टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय द कार्नोट साइकिल व्हेन वी पुट the system on the reservoir। और वो कितना होगा हमें दिखाई दे रहा है वहाँ पे, कितना टेम्परेचर है T1 और उष्मा में परिवर्तन कितना है S1 माइनस सॉरी S2, फाइनल S2माइनस इनिशियल S1। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन T100, डेल्टा Q इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। ठीक है, देख देन टोटल हीट एब्जॉर्ब कितनी है टी वन एस टू माइनस एस वन, हीट रिजेक्टेड टू द सिंक कितना होगा, हीट रिजेक्टेड टी टू टेम्परेचर पे एंड अगेन एस टू माइनस एस वन, वर्क डन कितना होगा, हीट कन्वर्टेड इन टू वर्क, हीट कन्वर्टेड इंटू वर्क कितना होगा द एरिया अंडर दिस कर्व, एंड वो कितनी होनी चाहिए, जितनी हीट एब्जॉर्ब की थी जितनी रिजेक्ट की दोनों के डिफरेंस के इक्वल, सो इट विल बी एस टू माइनस एस वन विल बी कम आउट साइड एंड इट विल बी टी वन माइनस टी टू, टी वन माइनस टी टू, दिस इज द हीट कन्वर्टेड इंटू वर्क। अब अगर इस कार्नोट के साइकिल की एफिशिएंसी निकालनी है देन एफिशिएंसी ईटा विल बी वर्क डन अपॉन हीट टेकन या हीट एब्जॉर्ब, सो कितना है वर्क डन एस टू माइनस एस वन इंटू टी वन माइनस टी टू और हीट एब्जॉर्ब कितना है टी वन एस टू माइनस एस वन वन माइनस टी टू अपॉन टी। This is the efficiency of Carnot cycle which we have also calculate from the PV diagram। इसका मतलब आप TS diagram से entropy calculate efficiency calculate करें या PV diagram से करें ये आप पे depend करता है। अगर आपको temperature entropy diagram दिया हुआ है question में तो भी आप उस सिस्टम की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी हम जो सिस्टम स्टडी कर रहे हैं उसमें हमारी किस हिसाब से मदद कर सकती है। सो फर्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन हियर बिफोर, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है वैसे ही एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कॉन्स्टेंट रहती है एंट्रोपी, एंड वी हैव यूज्ड इट अगेन एंड अगेन इन कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी। सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ थर्मोडाइनेमिक वेरिएबल्स विच शो द स्टेट ऑफ द सबस्टांस, ये स्टेट फंक्शन है नहीं कि पाथ डिपेंडेंट है और जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। थर्ड पॉइंट इज इन एवरी नेचुरल प्रोसेस एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेज,
हमने देखा है सभी नेचुरल प्रोसेसेस इरिवर्सिबल है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा ही जब भी चेंज होती है इट चेंजेस पॉजिटिवली, मतलब एंट्रोपी बढ़ती ही है। फोर्थ पॉइंट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन ऑल्सो बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। हम सेकेंड लॉ को एंट्रोपी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सिंपल सा जो इक्वेशन हमारे पास है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, और जैसे ही क्यू को एस में परिवर्तित करके लिखेंगे दैट इज द फॉर्म इन द एंट्रोपी। अकॉर्डिंग टू द फ्रीमैन डायरेक्शन द एंट्रोपी कैन बी रिटन एज लाइक दिस एंड इट इज द एंट्रोपी के इज हियर, के इज कॉल्ड बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं। ओमेगा इज डिसऑर्डरनेस एक पैरामीटर है जो डिसऑर्डरनेस से रिलेटेड है, और आगे हम पढ़ेंगे इट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी आल्सो, ऊष्मा गतिकीय प्रायिकता। ओमेगा को हम क्या बोलते हैं या डब्ल्यू जिसो भी है इसको हम बोलते हैं ऊष्मा गतिक प्रायिकता। सो दीज आर द फिजिकल सिग्निफिकेंसेज ऑफ द एंट्रोपी। नाउ वी कैलकुलेट द एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब हम देखते हैं एक परफेक्ट गैस के लिए एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सो व्हाट विल बी द डेल्टा यू, हियर वी कैन सी डेल्टा क्यू। इनके साइन कन्वेंशंस क्या है, अगर किसी सिस्टम को हीट दी जाती है, देन डेल्टा क्यू विल बी पॉजिटिव इफ सिस्टम gets heat from outside। अगर सिस्टम कहीं से ऊष्मा लेता है देन डेल्टा क्यू हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। डेल्टा क्यू को हम नेगेटिव लेते हैं इफ सिस्टम से हीट बाहर की तरफ जाती है, इफ हीट फ्लोज आउट ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम से बाहर जाती है तो डेल्टा क्यू को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। अब बात करते हैं डेल्टा डब्ल्यू की, वर्क। अगर सिस्टम पर वर्क किया जाता है, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पर कार्य किया जाता है, मान लो कि पिस्टन में गैस रखी हुई और मैंने पिस्टन को दबाया, इसका मतलब मैं सिस्टम पर कार्य कर रही हूँ, दैट विल बी पॉजिटिव इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। एंड डेल्टा डब्ल्यू विल बी नेगेटिव इफ वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम खुद कार्य करता है, प्रेशर की वजह से गैस नीचे से एक्सपांड होती है और पिस्टन को धक्का देकर ऊपर खिसकाती है, देन डेल्टा डब्ल्यू विल बी नेगेटिव। आगे लिखते हैं। सो अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू बराबर सी वी डी टी प्लस पी डी वी। ठीक है, यहां पर एक्चुअली डी यू क्या होता है, किसी गैस की इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, एम सी वी डी टी। और यहां पे गैस के मास को हमने यूनिट मास लिया है। सो वॉट एवर कैलकुलेशन वी विल डू हियर, जो भी हम यहां करेंगे वो सब किसके लिए है, यूनिट मास ऑफ गैस के लिए। सो जो ये एंट्रोपी हमारी निकल के आती है फाइनल में, जो एक्सप्रेशन एंट्रोपीज के निकल के आएंगे वो किसके लिए होंगे, यूनिट मास के लिए। और जब भी अगर न्यूमेरिकल में मास की कुछ वैल्यू दी हुई हो देन वी विल कैलकुलेट द एंट्रोपी फॉर यूनिट मास, और जो आंसर आएगा उसको उस दिए गए मास से हमेशा ही मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज आंसर विल नॉट बी करेक्ट। सो कीप इन माइंड वट एवर कैलकुलेशंस वी विल डू हियर और वट एवर फॉर्मूलाज वी विल गेट हियर, ऑल विल बी फॉर द
यूनिट मास ऑफ द सिस्टम। गैस का हमने कितना मास लिया है, यूनिट मास लिया है। सो मैं यहां पे लिख देती हूं, हियर वी टेक यूनिट मास ऑफ द सिस्टम। कीप इन माइंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की कोशिश करें। हियर वी टेक यूनिट मास ऑफ सिस्टम। चलिए इसको, सो अब अगर हमें सिस्टम की टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, देन व्हाट विल वी डू? बहुत ही आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला रखा है एंड एंट्रोपी हम जानते हैं कितनी होती है, डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल क्यू बाई टी। और डेल क्यू कितना दिया गया है, इतना दिया गया है, सी वी डी टी बाई टी प्लस पी डी वी अपॉन टी इंटीग्रेशन। दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंट्रोपी फॉर एनी सिस्टम। अगर इसको टेम्परेचर और वॉल्यूम, इसमें देखो टेम्परेचर भी आ रहा है, प्रेशर भी आ रहा है और वॉल्यूम भी आ रहा है। हम चाहते हैं कि कोई एक पैरामीटर इस समीकरण से एलिमिनेट हो जाए या जिसका हमें यूज ना करना पड़े। सो इस फॉर्मूले को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, आइदर इन टेम्परेचर वॉल्यूम, टेम्परेचर प्रेशर, या फिर वॉल्यूम और प्रेशर। तो एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट वी आर राइटिंग इट फर्स्ट डेल्टा एस इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब हमें वॉल्यूम को एलिमिनेट करना है और आप बहुत आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सीवी इसे एज इट इज रखते हैं प्लस, प्रॉब्लम कहाँ पे है, टेम्परेचर रखना है, प्रेशर रखना है, वॉल्यूम नहीं रखना है। हमारे पास अगर एक मोल के लिए इक्वेशन देखें, देन व्हाट विल बी पी वी इज इक्वल टू आर टी। हमें चाहिए डी वी, हमें डी वी को हटाना है, सो वी इज इक्वल टू आर टी बाई पी। और इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, सो आर डी टी अपॉन पी माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर आर टी डी पी। अगर इसको वापस यहाँ पे रखते हैं तो कितना आएगा, पी बाई टी आर डी टी बाई पी माइनस आर टी अपॉन पी स्क्वायर डी पी। पी से पी स्क्वायर टी यहाँ नीचे आ जाएगा और यहाँ से कट जाएगा, सो इट विल बी लाइक इंटीग्रेशन सी वी डी टी अपॉन टी प्लस इंटीग्रेशन आर बाहर ले लेते हैं डी टी बाई टी माइनस आर इंटीग्रेशन डी पी बाई पी। डी टी बाई टी डी टी बाई टी, सो वी कैन राइट इट सी वी प्लस आर डी टी बाई टी माइनस आर डी पी बाई पी। और सी वी प्लस आर सी पी, इंटीग्रेशन सी पी डी टी बाई टी माइनस आर डी पी बाई पी। अगर हमें एंट्रोपी चाहिए, देन वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन फ्रॉम द बोथ साइड्स एंड वी विल गेट एस इज इक्वल टू सी पी इंटीग्रेशन डी टी बाई टी। और इसको इंटीग्रेट करने के बाद हम लिख सकते हैं एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस सम इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। सेकेंड हम इसको लिख रहे हैं डेल्टा एस इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम की फॉर्म में रखना है, बहुत ही आसान है। प्रेशर को यहाँ से हटाना है और प्रेशर को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी। सो व्हाट इट विल बी, इंटीग्रेशन
सी वी डी टी बाई टी प्लस आर टी अपॉन वी डी वी, और टी यहाँ पर पहले से रखा हुआ था, इट विल बी कैंसल आउट एंड इंटीग्रेशन सी वी डी टी बाई टी प्लस आर डी वी अपॉन वी. दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी. अगर हमें सिस्टम की एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है देन वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन फ्रॉम द बोथ साइड्स एंड वॉट वी विल गेट एस इज इक्वल टू सी वी एल एन टी प्लस आर एल एन वी प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. थर्ड फॉर्म जो है दैट इज इन फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. प्रेशर एंड वॉल्यूम, इस बार हमें टेम्परेचर को हटाना है. सो यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ टेम्परेचर और यहाँ टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर को हटाना है. वॉट वी विल डू, टी विल बी पी वी अपॉन आर, और वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी वी देन डी टी विल इक्वल टू वन अपॉन आर पी डी वी प्लस वी डी पी. सो वॉट वी विल राइट हियर, डी टी इक्वल टू सी वी अपॉन आर पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस इंटीग्रेशन पी डी वी, और टेम्परेचर की जगह पी वी अपॉन आर, पी से पी गया, दिस विल बी कम आउट. एंड वॉट, हाउ कैन वी राइट इट, इंटीग्रेशन सी वी अपॉन आर पी डी वी प्लस सी वी अपॉन आर वी डी पी प्लस आर अपॉन वी डी पी. This is dv, this is dv. So, we can write here, it is like in this form and p r upon t, इसको हम लिख सकते हैं integration cv dv upon v plus integration cv और इसको v upon r t, इसको हम लिख सकते हैं dp upon p प्लस इंटीग्रेशन आर अपॉन वी डी वी. दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी. अगर हमें एंट्रोपी चाहिए देन अगेन वी हैव टू इंटीग्रेट द होल इक्वेशन. सो सी वी एल एन वी प्लस सी वी एल एन पी प्लस आर एल एन वी और प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दीज आर द थ्री फॉर्म्स इन विच वी कैन राइट डाउन द एंट्रोपी, either in form of pressure volume or pressure temperature or volume temperature. But here we are not interested in the absolute value of entropy. In actual practice we need the change in entropy when we go any process, throughout any process, and we change the state from here to here, then we want the change in entropy from this point to this point. So these absolute values are not of much important. How we can write the change in entropy? So for that we can write these formulas as following. Number first, जैसे हमने यहाँ पे तीन form में लिखे, exactly in तीन form में हम वहां पे लिखेंगे चेंज इन एंट्रोपी. और चेंज इन एंट्रोपी को हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. और जो हमने निकाला था उसी में अगर हम किसी गैस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट, सपोज कीजिए पहले गैस इनिशियल स्टेट में थी जहाँ पे प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, और गैस के एक्सपांड होने के बाद फाइनल स्टेज में गैस का प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 है, देन व्हाट विल बी द चेंज इन एंट्रोपी, दैट वी वांट टू सी हियर. एंड वी कैन राइट इट
इन दिस फॉर्म हियर, डेल्टा एस इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन एंड दैट विल बी इक्वल टू सी वी एल एन टी टू माइनस सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन माइनस सी पी माइनस सी वी आइदर, और आप क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस सी वी को आप क्या लिख सकते हैं, आर, एक ही बात है, किसी भी फॉर्म में लिखिए सी पी माइनस सी वी एल एन वी टू अपॉन वी वन. सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड हम कैसे लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. अगर टेम्परेचर और प्रेशर में लिखना है सो हम कैसे लिखते हैं, ये फॉर्मूलाज हमने अभी अभी डिराइव कर लिए थे, उन्हीं को वापस लिख रहे हैं, सिर्फ गैस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ले जाने पर. डेल्टा एस इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू सी पी एल एन पी टू अपॉन पी वन माइनस सी पी माइनस सी वी, और जिसको हम आर लिखते हैं, एल एन पी टू अपॉन पी वन. सॉरी, दिस विल बी टी टू अपॉन टी वन. नेक्स्ट थर्ड है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर प्रेशर हो गया, देन थर्ड इज वॉल्यूम एंड प्रेशर, एंड हाउ वी कैन राइट इट, कैसे लिखोगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू सी वी सी वी एल एन पी टू अपॉन पी वन प्लस सी पी एल एन वी टू अपॉन पी वन. देखिए, जो कॉन्स्टेंट थे जब एब्सोल्यूट एंट्रोपी की बात कर रहे थे, तो इंटीग्रेशन के जो कांस्टेंट है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि गैस जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगी, हियर विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी कैंसिल आउट, वो कांस्टेंट यहाँ से गायब हो गए, बाकी फॉर्मूलाज एज इट इज हैं, कोई चेंज नहीं है, सेम वही फॉर्मूलाज है, सिर्फ वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, सी पी एल एन वी, यहाँ पर स्टेट इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, वी वन से वी टू तक, सो अपर लिमिट वी टू, लोअर लिमिट वी वन. प्रेशर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, पी टू पी वन से पी टू, लिमिट्स कैसे रखोगे आप, पी वन से लेकर पी टू तक, सो पी टू अपॉन पी वन, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, सेम वही फॉर्मूला है, सिर्फ कांस्टेंट कैंसिल आउट हो गए और हमने लिमिट्स पुट कर दी है, बाकी एज इट इज़ फॉर्मूलाज आर, बस आपको ये याद रखना है, ऑल दीज फॉर्मूलाज आर करेक्ट फॉर द यूनिट मास, सभी फॉर्मूला जो लिखे हुए हैं वो यूनिट मास के लिए सत्य हैं, कीप दिस फैक्ट इन माइंड एवरी टाइम, अदरवाइज एनी न्यूमेरिकल मे बी रॉन्ग, हो सकता है कि आपने सब कुछ सही किया लेकिन इस फैक्ट को ध्यान में नहीं रखने से आपका कोई न्यूमेरिकल गलत हो जाए, सो कीप इन माइंड ऑल द फॉर्मूलाज आर फॉर यूनिट मास ऑफ गैस. चलिए अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार में पूछा जाता है. क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द चेंज ऑफ एंट्रोपी इन द गैस सराउंडिंग एंड यूनिवर्स. तीन चीजों की एंट्रोपी में चेंज पूछा है, पहला गैस, गैस के चारों तरफ का सराउंडिंग, एंड थर्ड इज द गैस प्लस सराउंडिंग मतलब यूनिवर्स, गैस सराउंडिंग एंड यूनिवर्स. दो तरीके की प्रोसेस के दौरान, फर्स्ट है ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांसन. पहले हम मानते हैं कि किसी गैस का रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांसन हो रहा है, इसका मतलब कार्नो का साइकिल हम ले सकते हैं, या फिर इस जो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है इसको मैं आइसोथर्मल एक्सपांसन मान लेती हूँ. सेकेंड, ड्यूरिंग ए जूल एक्सपांसन. चलो पहले विचार करते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं इसका, फर्स्ट विचार करते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांसन पर. ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांसन एंट्रोपी ऑफ गैस, गैस की एंट्रोपी में कितना परिवर्तन आएगा. सपोज कीजिए हमारे पास ये एक बॉक्स है और इसमें P1 प्रेशर, V1 वॉल्यूम और किसी टेम्परेचर पर ये गैस यहाँ पे भरी हुई, सपोज करते हैं टेम्परेचर T है,
चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, सो थ्रू आउट द प्रोसेस द टेम्परेचर विल बी सेम. सो हमने टी वन टी टू नहीं लिया है, इट विल बी सेम थ्रू आउट द प्रोसेस टी. जब ये स्टोव को मैं यहाँ से खोलती हूँ, देन गैस विल बी एक्सपांड, प्रेशर विल बी मान लेते हैं कि पी टू हो जाता है और वॉल्यूम वी टू हो जाता है. और हमें यहाँ यह भी दिया गया है कि जो फाइनल वॉल्यूम है दैट इज़ द डबल ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, मतलब स्टॉप कॉप के इस तरफ का आयतन और इस तरफ का आयतन बराबर है. इट मीन्स वी टू इज इक्वल टू टू वी वन. अगर वी टू इज इक्वल टू टू वी वन दिया है तो बाई आइडियल गैस इक्वेशन हम क्या निकाल सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू आर टी. अगर एक मोल के लिए लिखें, हमें इनिशियल प्रेशर पी वन दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम वी वन, आर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है. फाइनल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, पी टू वॉल्यूम कितना दिया है, टू वी वी टू इज इक्वल टू आर टी टेम्परेचर, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है इट विल रिमेन सेम. वी टू कितना दिया गया है, टू वी वन, सो वी कैन राइट इट टू वी वन इज इक्वल टू आर टी. अगर इसको एक को दो से डिवाइड करें तो हम पी टू की वैल्यू निकाल सकते हैं, पी टू अपॉन पी वन इज इक्वल टू वन. इट इम्प्लाइज पी टू इज इक्वल टू पी वन बाई टू. मीन्स जो फाइनल गैस का प्रेशर है दैट विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल प्रेशर. अगर हम बात करते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है, फाइनल प्रेशर हमें मिल गया. अब हमें देखना है कि गैस की एंट्रोपी में कितना चेंज होता है इस प्रोसेस के दौरान. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट, डी क्यू अपॉन टी का इंटीग्रेशन. और डी क्यू को हम क्या लिखते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी अपॉन टी. चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है सो डी यू विल बी जीरो. आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, इसका मतलब पी डी वी अपॉन टी. और यहाँ से P को क्या लिख सकते, P अपॉन डी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन R अपॉन वी टी वी. और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, इनिशियली कितना था V1, फाइनली कितना है V2. अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा, R ln V2 अपॉन V1. R ln V2 कितना है, 2V1 अपॉन V1. इसका मतलब गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन R ln 2 आएगा, ठीक है. अब चूंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है रिवर्सिबल, इसका मतलब ये जो सिस्टम है ये सराउंडिंग के साथ हमेशा ही टच में है. जितनी इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, जितनी इसने सराउंडिंग से ऊष्मा ली है, उतनी सराउंडिंग की ऊष्मा क्या हुई है, कम हुई है. इसका मतलब इसकी जितनी एंट्रोपी बढ़ी है, सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या है, उतनी ही कम हुई है. इसका मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग कितनी आएगी, माइनस आर एल एन टू. और डेल्टा एस अगर यूनिवर्स निकालनी है देन कितनी आएगी, डेल्टा एस गैस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, और वो कितनी हो जाएगी, आर एल एन टू माइनस आर एल एन टू इज इक्वल टू जीरो. और यह रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड था, हम पहले ही देख चुके हैं सादी कार्नोट के इंजन का जो साइक्लिक प्रोसेस था उसमें जब एंट्रोपी कैलकुलेट की थी वो जीरो आई थी, तब हमने कहा था कि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. और यहाँ पे क्या लिखा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, तो एंट्रोपी में चेंज कैसे हो सकता था. सो दिस रिजल्ट वॉज एक्सपेक्टेड एंड वी गोट दैट, ठीक है. अब बात करते हैं इसी सेम सिस्टम को अगर जूल एक्सपांशन के दौरान देखा जाए, अगर ये सिस्टम जूल एक्सपांशन कर रहा है और गैस एक्सपांड हो रही है. जूल एक्सपांशन में एक एक्स्ट्रा कंडीशन थी, वो क्या थी कि दिस सिस्टम वाज आइसोलेटेड. जूल ने जब अपने सिस्टम में गैस का एक्सपांशन किया था तो जूल ने जो सिस्टम लिया था दैट वाज कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग. नए सराउंडिंग को कोई ऊष्मा दे सकता था और ना ही सराउंडिंग से कोई ऊष्मा ले सकता था. इट मीन्स यहां तक तो सब वैसा ही चलेगा जैसा इस सिस्टम के लिए चल रहा है. हमें अगर गैस की एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम डबल होगा, प्रेशर कम होगा, तो गैस की एंट्रोपी इतनी आएगी. बट इसने सराउंडिंग के साथ कोई चेंज नहीं किया है, तो मैं यहां पर लिखती हूं, इन
जूल एक्सपांसन। जूल एक्सपांसन में भी गैस की एंट्रोपी निकालने के लिए यही तरीका है। क्यों? क्योंकि गैस की एंट्रोपी भी स्टेट का फंक्शन है, इनिशियल और लास्ट स्टेट पे डिपेंड करती है, और दोनों स्टेट हमें पता है, हम गैस की एंट्रोपी निकाली। लेकिन चूंकि जूल में सिस्टम आइसोलेटेड था, तो सिस्टम ने तो सराउंडिंग को हीट दे सकता है ना ले सकता है, इसका मतलब सराउंडिंग की एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी कितनी होगी, डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस गैस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। यहां पर जूल एक्सपांसन में डेल्टा एस गैस कितनी है, आर एल एन टू, लेकिन सराउंडिंग की कितनी है, जीरो। इट मीन्स जूल एक्सपांसन में यूनिवर्स की एंट्रोपी जो चेंज आया है वो कुछ न कुछ पॉजिटिव चेंज है। इसका मतलब जूल एक्सपांसन में यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट इज अगेन एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जूल एक्सपांसन इज नॉट ए रिवर्सिबल प्रोसेस, और जब भी कोई प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती है तो उसकी एंट्रोपी हमेशा ही बढ़नी चाहिए। सो याद रखिए, या इस कंसेप्ट को हमेशा दिमाग में रखिए कि अगर आइसोथर्मल एक्सपांसन है और एक जूल एक्सपांसन है, दोनों में क्या फ़र्क है। जूल एक्सपांसन सराउंडिंग के साथ कोई हीट का आदान प्रदान नहीं करता। इट मीन्स द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग विल नॉट चेंज, दैट विल बी जीरो, एंड एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल इंक्रीज इन केस ऑफ जूल एक्सपांसन, एंड इन केस ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांसन एंट्रोपी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है, आप लोगों को आना चाहिए। दोनों प्रोसेस में अंतर हमेशा पता होना चाहिए, जूल एक्सपांसन और आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांसन। धन्यवाद।